16 और 14 के स्टार्स के 17 और 14 के स्टार में फाइनल महाकाल जीत चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग 7.7। गाइस आज हम देखने वाले हैं सुमित 007 की फैमिली क्लैन का रैम्बो टर्नी फाइनल मिक्स कप 6 vs 6 का फाइनल मैच। तो यहां पर जो वॉर लगी है वो है फाइनल मिक्स कप 6 vs 6, बोले तो 10 vs 10 लिए हैं, बट उसमें जो अटैक करने वाले बंदे हैं वो 6 vs 6 और महाकाल्स वर्सेस LWT के बीच में यहां पर फाइनल वॉर लगी है। तो यहां पर जो हमें एनर्जी दिख रही है उसी एनर्जी के साथ गाइस आज अपनी पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, पुराने हो तो लाइक जरूर ठोकना। 6 vs 6 का मैच हो रहा है यहां पे और जो लास्ट के 4 bases है वहां पे कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो यहां पर है 6 vs 6 और टाउन हॉल लास्ट के 4 आप कोई भी टाउन रख सकते हैं, बाकी आपको रखने पड़ेंगे टाउन हॉल 9 टू टाउन हॉल 14। जब से टाउन 14 आया 6 vs 6 बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ अगर चैट की बात करें तो हमारा जो फाइनल्स है वो पहली बार हम कर रहे हैं रैम्बो के साथ, रैम्बो SR के साथ फर्स्ट टाइम वी कोलैब टुगेदर। तो यहाँ पर अगर आप चैट की बात करें तो पेल पेल के रैम्बो टोल्ड हिम इनवाइट नीड 14 टू विन, 14 स्टार इनको चाहिए जीतने के लिए। गो काल्म इट इजीली एंड विन $200 इज वेरी क्लोज क्रैब इट। $200 जो है वो इस मैच की प्राइस पूल है। अगर ये मैच महाकाल जीते हैं तो $200 इंडिया में कन्वर्ट करें तो ₹14,000 ये लोग जीत जाएंगे। 6 लोगों की टीम है तो वो आपस में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम देखने वाली बात होने वाली है वो ये है कि जो टीम महाकाल है वो जीत पाएगी LWT के अगेंस्ट। सो गाइस हम हैं महाकाल्स क्लैन में जिन्होंने अभी तक पेल पेल के जो है वो स्टार्ट करी थी अपनी मिक्स कप 6 vs 6 और यहाँ पर जो जीते हैं ये फ्रीडम फाइटर, न्यू एरा YT, COC लवर्स, एवेंजर्स, डिवाइन रूलर्स, FF18 टॉप लेवल के क्लैंस को इन्होंने यहाँ पर बीट किया है महाकाल्स टीम ने। और यहाँ पर देखने वाली बात ये होने वाली है कि जो महाकाल्स है वो ये लास्ट वाला फाइनल जीता है कि नहीं। अगर नहीं जीता तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी उनके टीममेट्स और वगैरह वगैरह जो भी है इनके साथ, और अगर जीतते हैं तो क्या ही बात होगी, खुशहाली वाली बात इधर। तो अभी हम महाकाल में है तो अपनी ID का विजिट एक बार ले लेते हैं। यहाँ पर 3rd नंबर पे है रैम्बो SR अपने टाउन हॉल 14 से है अपने रैम्बो SR यहाँ पे। और इस बंदे की प्रोफाइल भी बहुत ही यहाँ पर अच्छी है और हम भी है यहाँ पर रैम्बो SR के साथ यहाँ पर लाइव अटैक्स का करने के लिए। यहाँ पर जो सीन हो रहा है वो हो रहा है कि टाउन हॉल 11 पे यहाँ पर हिट नहीं बन रहा, यहाँ पर किलर IB बंदा लिख रहे हैं, TH 11 पर प्लान नहीं बन रहा, क्वीन मर जा रही है। तो टाउन हॉल 11 का अगर हम विजिट करें बेस तो यहाँ पर ये 4X वो है फार्म की तरह और जो क्वीन है वो किंग क्वीन और बुढ़ेरा एक साइड पे है टाउन हॉल की साइड पे। तो यहाँ पर ड्रैगन्स में भी लग सकते हैं अगर इसका डोनट अच्छा है, स्केली डोनट इनविजिबिलिटी और स्केलेटन्स के साथ उसके जो हम करते हैं तो उसका नाम होता है स्केली डोनट। अगर वो आपने नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, नई आने वाली वीडियो में वो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं स्केली डोनट। तो स्केली डोनट का मतलब ये है कि आप इनविजिबिलिटी और स्केलेटन्स स्पेल्स के साथ आप दो चीज़ एक बारी में निकाल सकते हो। तो यहाँ पर वो स्केली डोनट बहुत ज़्यादा काम आ सकता है अगर मेरी राय माने तो, क्योंकि CC और ईगल आर्टिलरी दोनों एक साथ निकल सकती है। यहाँ पर स्टार्ट हो गया सारे अटैक, फर्स्ट अटैक टाउन हॉल 13 पर, सेकंड अटैक टाउन हॉल 9 पे, हमारी टीम महाकाल्स ने अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है तो यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है अभी ब्लिम्प छोड़ा है, ब्लिम्प में यतीस थे और टाउन हॉल 14 का फटने का नज़रिया तो आप सभी को पता है, जब वो फटता है तो सबकी फाड़ देता है क्योंकि पॉइजन बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा OP और लिटरली उसका जो डेथ पर सेकेंड है वो जो बढ़ गया तो मतलब क्या ही बात करें। तो यहाँ पर क्वीन चार्ज स्टार्ट कर दिए यहाँ पे और जो आर्मी है कुछ पैका विचेस और एज अ पैका स्मैश समझ सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर क्वीन के साथ उसने लगाई है आपकी यूनिकॉर्न इनका पेट है और RKO रैबी अटैक कर रहे हैं। सुनील भारती टाउन हॉल 14 पे यहाँ पर अटैक चल रहा है लाइव और हम देख रहे हैं रैम्बो मिक्स कप 6 vs 6 इवेंट।
तो यहाँ पर क्वीन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चार्ज हो रही है और कोकोलून यहाँ पर कर दिया है और सीसी निकल चुकी है। सीसी में है हेड हंटर्स, आर्चर्स और मेरे ख्याल से सुपर मिनियंस भी सीसी में यहाँ पर होंगे। सीसी से लावा भी निकल चुका है और एक्सबोज भी यहाँ पर, एक एक्सबो लॉक है और यहाँ पर जो बिल्डर है वो भी, बिल्डर हट कह लो, बिल्डर हट भी पावरफुल हो गया स्टार्नोड 14 के अपडेट के आने के बाद। और यहाँ पर लावा पप्स फट चुके हैं, इनने पॉइजन पहले ही यूज़ कर दिया था इसलिए जो लावा पे मारते मारते इनका ध्यान ही नहीं गया। और यहाँ पर जो 1.24 मिनट्स बाकी रह गए हैं, पैकास विच विज छोड़ दिए हैं और वहाँ पर बारबेरियन किंग और विजेस छोड़ दिए हैं फनल के साथ, और जो पैका विज है उनको यहाँ पर लाने की कोशिश करी जा रही है कोर में। वार्डन के साथ यहाँ पर आउल को लगा दिया है, रॉयल चैम्पियन के साथ कुछ नहीं है, किंग के साथ है आपका यैक, यैक इज़ ओपी फॉर डिस्ट्रॉइंग द वॉल। यहाँ पर जो पैका है उनकी हेल्थ बहुत कम, हील स्पेल की बिल्कुल भी यहाँ पर गुंजाइश, मतलब हील स्पेल तो है ही नहीं इनके पास और यहाँ पर फ्री स्पेल यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड अटैक शायद हो रहा होगा वो टाउन हॉल 12 या टाउन हॉल 11 पे हो रहा होगा। ओपोनेंट यहाँ पर अभिषेक में अटैक कर रहे हैं, अभिषेक अटैक कर रहे हैं किलर आईवी के बेस पे। तो यहाँ पर जो आर्मी थी वो थी सुपर आर्चर के साथ, पैका के साथ, बॉलर के साथ, पैका स्मैश ही समझ लो सीज बैरक के साथ। यहाँ पर गाइस 5 मिनट लेफ्ट और पेल पेल के यहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं लाइक अ ट्रोजन वॉर। तो यहाँ पर जो है वो 10 आउट पे चल रहा है। अब हम यहाँ ओपोनेंट के ही अटैक्स देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें अटैक्स और बेसिस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है टाउन हॉल निकाल लिया है फिर ब्लिंक किया थी इसके साथ और क्वीन चार्ज अभी भी जारी है यहाँ पर। और इनकी आर्मी है वो है यारी स्मैश, यहाँ पर पैका स्मैश के साथ 2 स्टार फील किया है हमारी टीम ने, बट यहाँ पर जो है यहाँ पर यारी स्मैश हो रहा है, मेरी टीम नहीं है फिर, मैं तो ऑफिशियल यहाँ पर स्ट्रीमर के रूप में आया हूँ यहाँ पर एज़ा। तो यहाँ पर किंग और यैक के साथ बहुत अच्छा खासा फनल ताकि जो यारीज हैं वो सारे के सारे कोर में जाए। और यहाँ के लिए क्या कोई प्लान है, कोई जंप स्पेल नहीं, ओके यदि जो ट्रूप्स है नॉर्मली वही यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। वार्डन की एबिलिटी दे दी है, स्कैटर शॉट, ईगल आर्टिलरी, यहाँ पर सब के सब लॉक है। ईगल आर्टिलरी कोने में है टेस्ला फार्म के साथ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर रेज स्पेल एक बाकी है और 2 फ्री स्पेल लेफ्ट बाकी है। यहाँ पर फ्री स्पेल के साथ ईगल आर्टिलरी और कुछ टेस्लास को यहाँ पर फ्रीज किया। सीसी में यहाँ पर या तो नॉर्मली बात करें आइस गोलम लेके गए थे और सब कुछ फ्रीज हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी दिख रही थी बट यहाँ पर सब कुछ स्लो हो गया है क्योंकि जो लास्ट क्वीन चार्ज ही बाकी है और यतीस ही बाकी है, 1.2 सेकंड्स यहाँ पर मिनट्स बाकी है। तो देखते हैं यार ये गाइस ट्रिपल होता है कि नहीं अटैक। ओके गाइस तो यहाँ पर हमारा मैच चल रहा है फिलहाल और यहाँ पर जो टाउन हॉल 11 था और टाउन हॉल 10, टाउन हॉल 9 ट्रिपल ऑलरेडी कर दी है ओपोनेंट ने। तो यहाँ पर वॉर चल रही है महाकाल्स वर्सेस LWTO की 6 vs 6 रैम्बो टर्नी $200 प्राइस पूल, फाइनल मैच चल रहा है, देखते हैं कौन सी टीम जीती है। यहाँ पर स्कोर चल रहा है अभी 4-11 और 3-8, यहाँ पर अभी बहुत दहशत का माहौल है। और यहाँ पर जी ललित थर्ड नंबर टाउन हॉल 12 पे अटैक कर रहे हैं और वो है जैप ड्रैगन्स। यहाँ पर जैप की जो कुल टोटल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है, रेजेस फ्रीजेस और सीसी में हील के साथ हेस्ट लिया है, सॉरी टाउन हॉल 12 तो सिर्फ हील ही आएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ फनलिंग स्टार्ट, ऊपर एक इलेक्ट्रो ड्रैगन, नीचे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन, सीसी में स्टोन स्लैमर लिया है किंग क्वीन, अभी देखने वाली बात हो रही है कि वो कहाँ छोड़ेंगे। स्पेक्टेटर्स हैं 5 के स्पेक्टेटर्स, यहाँ पर स्टोन स्लैमर 6 o'clock में छोड़ा है, इलेक्ट्रो ड्रैगन के हिट अभी भी चल रहे हैं, जो ब्लैक एयर माइन है वो स्टोन स्लैमर पे ही जाएगी, ईगल के हिट लग रहे हैं कोर में। वार्डन की एबिलिटी दे दी है सही टाइम पे, क्वीन भी जो ड्रैगन्स पे लॉक है, ईगल भी ड्रैगन्स पे लॉक है, टाउन और भी फटा, कोई डैमेज हुआ नहीं ज़्यादा ड्रैगन्स को, फ्रीज भी सही जगह पर डाला है, एयर डिफेंस और कैनन और एक्सबोज वहाँ पर फ्रीज हो गए हैं। स्टोन स्लैमर अभी तक सर्वाइव कर रहा है बट अब ये स्टोन स्लैमर खुल गया, सीसी में थे लून्स, मैक्स लेवल के लून्स। और ये गाइस होने वाला है ट्रिपल, ये वाला बेस जो किंग है वो अंदर की तरफ घुसा चला आ रहा है तो वो एयर डिफेंस लेगा क्योंकि यहाँ पर जो वॉल है वो खुली हुई है यहाँ पे, और एक पॉइजन बचा है इसके पास, वो ये स्वैग मारने वाला है। तो यहाँ पर गाइस ये ट्रिपल हो गया है विद अ जैप ड्रैगन्स। तो गाइस ओपोनेंट में टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 11 में मैच चल रहा है और यहाँ पर टाउन हॉल 13 और टाउन हॉल 11 में अपनी टीम हमारी मैच कर रही है। यहाँ पर जो स्ट्रेटजी यूज हुई है वो है यरी के साथ, विचिस के साथ, सुपर ड्रैगन्स, सॉरी सुपर विजर्ड्स,
सारे के सारे ट्रूप स्कोर में चले गए, सिर्फ 2 स्टार निकालने के लिए यहाँ पर टाउन हॉल को टाउन हॉल की सॉरी साइड से यहाँ पर अटैक किया है। तो टेस्ला फार्म है उसको लास्ट में यहाँ पर बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो विचेज है और उनके जो स्केलेटन्स बेबी है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी यूज़ हो गई है, यहाँ पर महाकाल से अटैक कर रहा है। टाउन हॉल 13 वर्सेस टाउन हॉल 13 विचेस यदि इसकी जैप के साथ यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है और मेरे ख्याल से ये अटैक जाना वाला है ट्रिपल, क्योंकि जो क्वीन की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है और हिलर्स भी अभी अच्छी खासी वैल्यू के साथ जिंदा है। टाइम फेल का भी कोई है नहीं इशू यहाँ पे और क्लीन अप यहाँ पर पेल पेल के है। तो गाइस मुझे लगता है कि महाकाल्स फाइनल यानी 6 वर्सेस 6 रैम्बो टर्नी जीतने वाली है। गाइस हो गया ट्रिपल अटैक स्ट्रैटेजी, बट हम देखेंगे कि कौन सी अटैक स्ट्रैटेजी से ये यहाँ पर ट्रिपल हुआ, क्योंकि हम मिड ऑफ द अटैक यहाँ पर आए थे। ओके, तो यहाँ पर ट्रिपल हो गया है, ये वाला बेस ओपी टाइप के प्लेयर है यहाँ पर हुआ है जैप यथी सुपर विजर्ड के साथ। ओके ओके गाइस, तो रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, आपको 17 और 14 के स्टार में फाइनल महाकाल जीत चुकी है। तो यहाँ पर जो प्राइस पूल है $200 का वो महाकाल को हो चुका है क्लेम। अब यहाँ पर चैट देखिए आप, गुड टीम विन ओपी, नाइस टीम, परफेक्ट वॉर मिस, जीजी ओपी, चैट ही चैट गाइज यहाँ पर पेल पेल के रखिए। तो ये महाकाल है जो सुमित 007 है उसके फैमिली क्लैन में ही आता है। तो हमारी यहाँ पर खुशकिस्मती थी, हम यहाँ पर आकर फर्स्ट टाइम रैम्बो SR के साथ हमने कोलैब किया, यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाई अपने ही, और मिक्स 6 वर्सेस 6 हमारा फर्स्ट था मिक्स कप हमारा यहाँ पर स्ट्रीम नहीं कह सकते, लाइव अटैक्स रिकॉर्ड करना। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही टूर्नामेंट्स और ऐसे ही वॉर आपको आने वाले दिनों में मिलती रहेगी। स्ट्रीम ज़रूर हम जल्द करेंगे। तो यहाँ पर जो विनर है वो महाकाल $200 यहाँ पर जीत चुके हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन टूर्नामेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस क्लैश ऑन। What the Rock is cooking.